गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. सो गुड आफ्टरनून सर. हमने लास्ट क्लास में इंटरपोलेशन टेक्निक स्टार्ट किया था. तो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस एंड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये डिस्कस किया. तो उसके आगे प्रोसीड करेंगे. तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ए फंक्शन, तो किसी फंक्शन का फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वन मिनट. सो हमने कल देख लास्ट क्लास में देखा था फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कैसे किया जाता है. तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ए फंक्शन, फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या है बताया गया था. फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब है नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू. बेसिकली फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू. तो यहाँ पे भी आप नोटिस करो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स. ये एफ एक्स का फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिया गया, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स. यहां पर ये जो f ऑफ x है ये प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ द फंक्शन, बिकॉज हम फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं. तो जो एफ एक्स वाला पार्ट होगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा, जिसको हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ y बोला था. y के बदले यहां पे क्या है, f ऑफ x है. तो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ f ऑफ x. ओके, एंड जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, एच क्या है, एच है दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के बीच में डिफरेंस. एक्स जो है तो इक्वली स्पेस्ड होते हैं, तो एक्स के दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में जो गैप है वो एक्स एच है. तो एफ एक्स अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को हम बोल सकते हैं नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब है नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन. नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू. सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें, सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन, सेकेंड ऑर्डर जब लेते हैं तो हम किसका डिफरेंस लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस के कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नेक्स्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस. एंड दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस. और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन. तो फॉरवर्ड डिफरेंस में ये पार्ट कॉमन है, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू. कोई भी ऑर्डर हो, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, इसी तरीके से हम ये डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड. ठीक है, एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं ये चीज. जैसा ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक फंक्शन गिवन हो और आपको बोला जाए उसका फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करो. सपोज फंक्शन इज कॉस 5x. ये फंक्शन है, इसका फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करने को बोला गया. तो पहले फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं. तो फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स.
इसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए f ऑफ x प्लस एच, ये हो जाएगा x के बदले x प्लस एच, तो cos ऑफ 5x प्लस 5h, x के बदले x प्लस h रिप्लेस कीजिए तो 5x प्लस 5h माइनस f ऑफ x दैट इज cos 5x, f ऑफ x प्लस h माइनस fx। नाउ यहां पे हम cos a माइनस cos b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। cos a माइनस cos b क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस का माइनस आ गया। ये होगा cos आएगा sin आएगा? cos a cos b cos a plus b आएगा माइनस sin sin राइट। ये आएगा 2 sin cos a माइनस cos b है ना, cos a प्लस cos b, ये होगा माइन, एक माइनस साइन आएगा बाहर, माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा 5x, इस चेक कीजिए आएगा 5x प्लस ये ले लेते हैं बार बार कॉस 4x कर देते हैं इसको, ठीक है। तो बार बार ये फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा 4x प्लस 4h दिया जाएगा साइन ए प्लस बी बाई टू, तो 4x प्लस 4h बाई टू आ जाएगा 2h इनटू साइन ए माइनस बी बाई टू, तो ए माइनस बी 4x 4x कैंसिल 4h बाई टू 2h, तो कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इनटू साइन ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। ये लिख सकते हैं दोनों साइन आ गए बिकॉज कॉस ए माइनस कॉस बी है। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। अब इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज करके हम सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, देखिए। तो सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स क्या था? कॉस फोर एक्स। तो सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब है नेक्स्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। अब यहां पे देखिए, एक फर्स्ट ऑर्डर तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, ये भी लिख रहे हैं माइनस फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफएक्स, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, इसको पहले लिखते हैं। तो क्या था? माइनस 2 साइन 4x प्लस 2h इनटू साइन ऑफ 2h, ये हम लास्ट स्लाइड में जो कैलकुलेट का वही है। एंड नेक्स्ट वैल्यू में क्या आगे देखिए, ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, ये नेक्स्ट वैल्यू है। तो क्या करना पड़ेगा? इसका जो एक्सप्रेशन है उसमें x के बदले x प्लस h रिप्लेस करना है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है? ये इसमें x के बदले क्या रिप्लेस करेंगे? x प्लस h। तो क्या आएगा? माइनस 2 साइन x के बदले अगर आप x प्लस h रिप्लेस करते हो तो यह आ जाएगा 4x प्लस 4h प्लस 2h 6h into sin of 2h, ठीक है। नाउ यहां पे आप देखिए कुछ पार्ट कॉमन जा रहा है, जो सिंप्लीफाई करना है उसका आंसर पता चल जाएगा। क्या कॉमन जा रहा है? माइनस 2 sin of 2h, माइनस 2 साइन ऑफ 2h कॉमन चला जाएगा, और कॉमन जाने के बाद साइन 4x प्लस 6h प्लस साइन प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस साइन
बीच में माइनस था, 4x plus 2h, ये sin a minus sin b फॉर्मेट का आ गया। नाउ sin a minus sin b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। sin a minus sin b होता है 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2, तो minus 2 sin of 2h, इसको तो as it is रखते हैं, ये तो कांस्टेंट पार्ट है, इसमें x नहीं है। sin a minus sin b या जाएगा 2 cos a plus b by 2, तो a plus b by 2 करेंगे तो आएगा 4x plus 8x by 2, 4x 6x plus 8 by 2, तो यह जाएगा 4x plus 4h, a plus b by 2 कीजिए, तो cos a plus b by 2 sin a minus b by 2, a minus b होगा 4x, 4x cancel करेगा, 6h minus 2h, 4h by 2, 2h, ठीक है। फाइनल आंसर विल बी माइनस 4 साइन स्क्वायर 2h इनटू कॉस 4x प्लस 4h, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जा सकते हैं, फंक्शन गिवन हो उसका फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करने को बोला जाए, ठीक है। ये किसी भी फंक्शन के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे साइन कोसाइन है, एक्सपोनेंशियल रह सकता है, या कोई दूसरा फंक्शन लॉग फंक्शन रह सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेसिफिकली पॉलिनोमियल के लिए अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो पॉलिनोमियल्स का फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, इसमें यहां तक क्लियर है एवरीवन? तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी ऑर्डर का पॉलिनोमियल हो सकता है, मैं यहां पे जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 7, इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। is a polynomial of degree 4, ठीक है। Now suppose आप इसका first order forward difference calculate कर रहे हैं, ये होता है f of x plus h minus f of x, मैं पूरा calculate नहीं करूंगा but यहां पे एक important part है जो आपको समझ में आना चाहिए, वो just बता देते हैं। f of x plus h देखिए क्या होगा, जो ऊपर एफ एक्स लिखा गया है उसमें x के बदले x प्लस h, तो x प्लस h होल टू द पावर 4 प्लस 2 इनटू x प्लस h होल क्यूब माइनस 3 इनटू x प्लस h होल स्क्वायर प्लस 4 इनटू x प्लस h माइनस 7, यह है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। माइनस एफ एक्स जो ऊपर लिखा गया था वही एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 7। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट नोटिस कीजिए, पूरा कैलकुलेशन आप कर सकते हो बट उसके बारे में हम इंटरेस्टेड नहीं है,
ये पार्ट देखिए, x प्लस एच होल टू द पावर 4, इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो पहला टर्म आएगा x टू द पावर 4 प्लस और कुछ भी टर्म्स आएंगे, x टू द पावर 4 प्लस और भी टर्म्स आ जाएंगे, एंड यहां पे भी x टू द पावर 4 है। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 ये कैंसिल नहीं कर जाएगा, तो ये अगर कैंसिल कर जाता है तो इस एक्सप्रेशन में x का हाईएस्ट पावर कितना होगा? हाईएस्ट पावर 3 होगा, बिकॉज x टू द पावर 4 वाला पार्ट तो कैंसिल कर रहा है, तो ये होगा बेसिकली पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो x टू द पावर 4 कैंसिल कर गया, x का हाईएस्ट पावर 3 होगा, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है। मतलब यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, ओरिजिनल जो फंक्शन था वो एक फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल था, जब आपने फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट किया तो वो क्या बन गया? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, मतलब डिग्री 1 डिक्रीज कर रहा है। ऐसे अगर आप सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करो, ये सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल आ जाए। अब जितना हायर ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे उतना ही डिग्री कम हो जाएगा, तो दिस इज पॉलिनोमियल। तो सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस विल बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ऐसे अगर आप थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करो, ये डिग्री 1 आ जाएगा। जितना हायर ऑर्डर जाएंगे पॉलिनोमियल का डिग्री एक एक करके कम होता रहे। दिस इज सेम एज लास्ट क्लास में जो बताया था, ये जो फॉरवर्ड डिफरेंसेस है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? डेरिवेटिव से रिलेटेड है। ये जो हम फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये फॉरवर्ड डिफरेंस बेसिकली किससे रिलेटेड है? डेरिवेटिव से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। अगर आपके पास एक फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का अगर आप एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो उसका डिग्री क्या होता है? 3। दो बार डेरिवेटिव करते हैं तो डिग्री 2। तीन बार डेरिवेटिव करते हैं तो 1। तो जैसे डेरिवेटिव कैलकुलेट करने पे पॉलिनोमियल का डिग्री 1/1 डिक्रीज करता है, वैसे जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, उस केस में भी डिग्री 1/1 डिक्रीज करेगा, बिकॉज ये जो फॉरवर्ड डिफरेंसेज है दीज आर रिलेटेड विथ डेरिवेटिव्स। ऐसे अगर आप फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करो तो ये क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, मतलब बेसिकली ये कांस्टेंट आ जाएगा। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 का मतलब क्या है? कांस्टेंट। तो फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये बेसिकली ये कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब डिग्री 0। इसके बाद फिफ्थ ऑर्डर सिक्स्थ ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 0। बिकॉज कॉन्स्टेंट आ गया, उसके बाद तो डिफरेंस 0 आएगा, तो दिस विल बी 0 फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5। फिफ्थ ऑर्डर सिक्स्थ ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए, ये 0 आ जाएगा। फोर्थ ऑर्डर तक नॉन जीरो, फिफ्थ ऑर्डर तक, फिफ्थ ऑर्डर के बाद सारा 0 आ जाएगा। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस कीजिए, जो नेक्स्ट स्लाइड में भी पॉइंट बाय पॉइंट लिखा गया है, जो ओरिजिनल फंक्शन था वो एक फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल है। जो ओरिजिनल फंक्शन है वो क्या है? एक फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल। आप जितने ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं डिग्री उतना ही डिक्रीज करेगा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट किया, डिग्री 1 डिक्रीज करेगा, सेकेंड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो डिग्री 2 डिक्रीज करेगा। जितना जितने ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस आप कैलकुलेट करेंगे डिग्री उतना ही डिक्रीज करेगा। एंड ये फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल था, इसीलिए जो फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस आया है वो कांस्टेंट आया। रिपीटिंग, ये फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल है, इसीलिए फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस जो आया है वो कांस्टेंट आया है। अगर ये nth ऑर्डर पॉलिनोमियल होता तो कौन सा फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आता?
nth order forward difference, nth order polynomial के लिए nth order forward difference constant आता, मतलब degree zero. ये fourth order था, इसलिए fourth order difference constant आया. And fourth order onwards कितना है? Zero. Fifth order, sixth order calculate करेंगे, तो zero. तो अगर ये nth order polynomial होता, suppose ये nth order polynomial है, तो nth order forward difference constant आ जाता. उसके बाद n plus 1th order, n plus 2th order कितना आएगा? Zero आएगा. ठीक है? तो यही चीज नेक्स्ट स्लाइड में पॉइंट बाय पॉइंट लिखा गया है. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. ये सारे nth डिग्री पॉलिनोमियल के लिए क्या बोला गया? फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n will be a polynomial of degree n minus 1. तो polynomial का degree कितना है? Polynomial का degree n है, जो original function है. उसका अगर आप first order difference calculate करोगे, तो उसका degree क्या हो जाएगा? n minus 1. First order calculate किया, तो degree 1 decrease करेगा. Second order calculate करेंगे, तो n minus 2 हो जाएगा. Third order calculate करेंगे, तो n minus 3 हो जाएगा. जितना order difference calculate करेंगे, उतना ही वो डिक्रीज करता रहेगा. सेकंड पॉइंट, द nth ऑर्डर डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विल बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, दैट इज ए कांस्टेंट. तो ओरिजिनल फंक्शन क्या है? nth डिग्री पॉलिनोमियल. ओरिजिनल फंक्शन क्या है? nth डिग्री पॉलिनोमियल. इसके लिए अगर आप nth ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट करो, वो एक कांस्टेंट है. जैसा अभी हमने देखा था, फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल के लिए फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आता है. तो nth ऑर्डर nth डिग्री पॉलिनोमियल के लिए nth ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आए, मतलब डिग्री जीरो. उसका हायर पावर अगर हम देखते हैं तो देखिए, द n प्लस 1th ऑर्डर डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विल बी जीरो. बिकॉज़ पॉलिनोमियल का डिग्री कितना था? n. तो nth ऑर्डर डिफरेंस तक कैलकुलेट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा. n का अगर हायर पावर लेते हैं, n प्लस 1th ऑर्डर, n प्लस 2th ऑर्डर, वो सारा डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा. क्लियर है तीन पॉइंट? एंड लास्ट पॉइंट, ये बेसिकली इंटरपोलेशन टेक्निक का यू कैन से एक अजम्पशन है. ये इंटरपोलेशन टेक्निक का एक अजम्पशन है, बिकॉज जैसे बोला गया था, ये जो भी हम न्यूमेरिकल टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देते हैं. न्यूमेरिकल टेक्निक से नॉर्मली एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलता. तो ये जो इंटरपोलेशन टेक्निक है ना, ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा को इंटरपोलेट करने के लिए यूज होता है. उस इंटरपोलेट करने का मतलब क्या है, अभी डिस्कस करेंगे हम. किसी एक्सपेरिमेंटल डेटा को एनालाइज करने में हेल्प होता है. इन सिंपल वर्ड्स, आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उस एक्सपेरिमेंटल डेटा को एनालाइज करने के लिए इंटरपोलेशन टेक्निक का यूज किया जाता है. तो यहाँ पे एक एजम्पशन क्या है, सपोज आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, क्या बोला जाए, इफ द nth ऑर्डर डिफरेंस ऑफ द फंक्शन आर इक्वली आर कांस्टेंट. जो nth ऑर्डर डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया वो कांस्टेंट है, आपके पास एक डेटा गिवन है, उसके लिए आपने nth ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट किया और वो कांस्टेंट आ गया. ठीक है, इन दैट केस द फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. देन हम उस फंक्शन को एक nth डिग्री पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये बेसिकली जो सेकंड पॉइंट बताया गया था, उसी का यू कैन से रिवर्स स्टेटमेंट है. सेकंड पॉइंट क्या था, अगर आपके पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है, उसके लिए nth ऑर्डर डिफरेंस क्या आएगा? कांस्टेंट. यहां पे उल्टा, इसका रिवर्स स्टेटमेंट है. देखिए क्या बोल दिया गया, nth ऑर्डर डिफरेंस अगर कांस्टेंट चला आता है तो फंक्शन क्या होगा? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. ये बहुत जगह पे यूज होता है. आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आपने उसके लिए nth ऑर्डर डिफरेंसेस कैलकुलेट किए और वो कांस्टेंट आ गया. nth ऑर्डर डिफरेंस अगर कांस्टेंट चला आता है, इसका मतलब उस फंक्शन को हम एक nth डिग्री पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर कांस्टेंट चला आता है. ठीक है,
तो पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए रिलेटेड टू फॉरवर्ड मतलब डिफरेंसेस जो हम कैलकुलेट करते हैं। अभी तक हमने फॉरवर्ड डिफरेंस की बात की है, अभी कुछ देर पहले हम बैकवर्ड डिफरेंस की भी बात करेंगे। ये जो पॉइंट बताया गया है ना, ये फॉरवर्ड डिफरेंस हो या बैकवर्ड डिफरेंस हो दोनों के लिए ट्रू है। अभी तक हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ही कैलकुलेट किया है, अभी बैकवर्ड डिफरेंस भी बताएंगे। बट ये जो चार पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये चारों पॉइंट्स फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए भी एप्लीकेबल है, बैकवर्ड डिफरेंस के लिए भी एप्लीकेबल है। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड मेंशन नहीं किया है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, इनथ ऑर्डर डिफरेंस, ये फॉरवर्ड डिफरेंस भी हो सकता है, बैकवर्ड डिफरेंस भी हो सकता है। ये चार पॉइंट क्लियर है एवरीवन? यस सर। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वह है बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस का जो कैलकुलेशन है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, जस्ट थोड़ा सा नोटेशन में चेंज होता है। नोटेशन में चेंज होने का मतलब देखिए, ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इक्वली स्पेस मतलब एक्स के जो वैल्यूज है वो इक्वली स्पेस। तो दिस डेटा पॉइंट्स आर इक्वली स्पेस्ड, स्पेसिंग जो है वो एच। इक्वली स्पेस्ड नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये बिगेस्ट क्वेश्चन हो सकता है। इक्वली स्पेस्ड अगर ना हो तब क्या किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस में ये जो एक्स के वैल्यूज हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं और स्पेसिंग कितना है एच। बैकवर्ड डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सिंपल वर्ड्स फॉरवर्ड डिफरेंस क्या था, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। बैकवर्ड डिफरेंस है प्रेजेंट वैल्यू, बैकवर्ड में पीछे की तरफ कोई वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। फॉरवर्ड डिफरेंस था नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, बैकवर्ड डिफरेंस है प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस जो पीछे वैल्यू था प्रीवियस वैल्यू। ना कोई भी ऑर्डर कैलकुलेट करो, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब यही होता है, प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर ये सारा कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस की बात करें, अब चेक करो क्या बोला गया, फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब डिफरेंस बिटवीन कंजिगुटिव वैल्यूज ऑफ वाई, वाई के कंजिगुटिव वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है, वाई के कंजिगुटिव वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। आप बोलेगा ये चीज तो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस में भी बोला था कंजिगुटिव वैल्यूज ऑफ वाई के बीच में, तो मैंने क्या बोला फॉरवर्ड डिफरेंस हो या बैकवर्ड डिफरेंस हो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट सेम होता है। अभी हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का कैलकुलेशन है और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल का कैलकुलेशन है वो सेम है, जस्ट नोटेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। नोटेशन देखिए क्या है, यह है बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई आर, बैकवर्ड डिफरेंस कॉरिस्पॉन्डिंग टू वाई आर। अब यहां पर यह बैकवर्ड डिफरेंस किसके कॉरिस्पॉन्डिंग है, आर के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या लिखा गया वाई आर माइनस वाई आर माइनस। यहां पे हम बैकवर्ड डिफरेंस वाई आर के कोरिस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वाई आर क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू और वाई आर माइनस वन क्या होगा प्रीवियस वैल्यू। हम जो बैकवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो वाई आर के कोरिस्पॉन्डिंग है, तो वाई आर किसको रिप्रेजेंट करेगा प्रेजेंट वैल्यू को और वाई आर माइनस वन प्रीवियस वैल्यू को। देखिए वाई आर इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वाई, इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वाई।
एंड y r माइनस वन इट इज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ y, इसके पहले वाला जो वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। इसलिए हमने y का प्रेजेंट वैल्यू और y का प्रीवियस वैल्यू लिया है। अगर हम सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस की बात करें, सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस तब भी यही होगा, प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। बट सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस में किनके बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे? सेकेंड ऑर्डर में किनके बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस के बीच में जो डिफरेंस है उसको सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं। हमको बता सकता है इस केस में आर का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा? बैकवर्ड है, एन से स्टार्ट होगा और पीछे की तरफ जाएगा। फॉरवर्ड डिफरेंस में आर कहां से स्टार्ट होता? जीरो से, स्टार्टिंग से, मतलब आगे से स्टार्ट हो रहा था, ये पीछे से स्टार्ट होगा एन से जो लास्ट वैल्यू है। फॉरवर्ड डिफरेंस में आर जीरो से स्टार्ट हो रहा था फर्स्ट वैल्यू से, बैकवर्ड डिफरेंस में ये लास्ट वैल्यू से स्टार्ट होगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू जहां तक जाता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस में ये जीरो से स्टार्ट होता था जहां तक जाएगा, और बैकवर्ड डिफरेंस में ये पीछे से स्टार्ट होगा एन से स्टार्ट होगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, तो सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। जो फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस है उनके बीच में जो डिफरेंस है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फॉर बैकवर्ड डिफरेंस माइनस दिस इज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस माइनस प्रीवियस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, बट यहां पर हमने किसका प्रेजेंट वैल्यू, किसका प्रेजेंट वैल्यू लिया है? फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट ऑर्डर के बीच में जो डिफरेंस है वो सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है। ओके, तो अगर हम फंक्शन के फॉर्मेट में देखें, देखिए वाई आर, बिकॉज ये तो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्म में लिखा गया, सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस इज बैकवर्ड डिफरेंस, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस कॉरिस्पॉन्डिंग टू वाई आर माइनस फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस कॉरिस्पॉन्डिंग टू वाई आर माइनस वन। नाउ बैकवर्ड डिफरेंस का जो डिफिनेशन है वो अगर हम यूज करें तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई आर को आप लिख सकते हो वाई आर माइनस वाई आर माइनस वन माइनस सेकेंड टर्म, देखिए बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई आर माइनस वन, इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? वाई आर माइनस वन, सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं। ये जो बैकवर्ड डिफरेंस है इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? वाई आर माइनस वन, और इसका प्रीवियस वैल्यू क्या होगा? आर माइनस टू। तो ये अगर आप कैलकुलेट करो ये आएगा वाई आर माइनस टू वाई आर माइनस वन प्लस y r माइनस टू। इंपॉर्टेंट पार्ट नोटिस कीजिए, जब हम सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस सॉरी सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। जब हम सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे कि पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ये आया था y r, फिर क्या था? माइनस टू वाई आर प्लस वन आर प्लस वन आर प्लस वन प्लस वाई आर प्लस टू। यहां पे आप एक पॉइंट नोटिस करो, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो बैकवर्ड डिफरेंस है
हम बैकवर्ड डिफरेंस सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस वाई आर का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पे क्या आया वाई आर माइनस वन वाई आर माइनस टू पीछे की तरफ जा रहा है। जब हम वाई आर का सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो वाई आर माइनस वन वाई आर माइनस टू पीछे की तरफ जा रहा है। वेरस जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई आर तो क्या क्या था वाई आर प्लस वन वाई आर प्लस टू आगे की तरफ जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब हम बैकवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो ये पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और जब फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे की तरफ। और जो ये कोएफिशिएंट है जैसे आया था ना वन माइनस टू प्लस वन वन माइनस टू प्लस वन ये कोएफिशिएंट किसके साथ सिमिलर है क्या बताया गया था a माइनस b होल स्क्वायर जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कोएफिशिएंट्स आर सिमिलर टू द कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है तो a माइनस b होल स्क्वायर थर्ड ऑर्डर है तो a माइनस b होल क्यूब कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस पूछा जाता है थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई आर तो शुरू करेंगे किससे वाई आर से और पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या कहेगा वाई आर माइनस वन वाई आर माइनस टू वाई आर माइनस थ्री पीछे की तरफ जाएंगे। थर्ड ऑर्डर है तो वाई आर माइनस थ्री तक और कोएफिशिएंट क्या होगा एनी वन वन थ्री माइनस थ्री माइनस वन वन माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस वन जैसे a माइनस b होल क्यूब में होता है a क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस b माइनस b क्यूब वन माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस वन। तो ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस है किसी भी ऑर्डर का हो वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करता है जो यहाँ पे बताया गया। क्लियर एवरीवन मैं आगे प्रोसीड करूंगा। दिस इज द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। अगर आप ध्यान से देखें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में जो कैलकुलेशन है एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम वाई के जो कंजिक्यूटिव वैल्यूज हैं वाई के जो कंजिक्यूटिव वैल्यूज हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। तो वाई के कंजिक्यूटिव वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है वो फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस है। फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस के कंजिक्यूटिव वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है वो सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल भी हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया था। फिर सेकेंड ऑर्डर के बीच में जो डिफरेंस है वो थर्ड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर के बीच में जो डिफरेंस है वो थर्ड ऑर्डर डिफरेंस। डिफरेंस सिर्फ यहां पे चेंज सिर्फ किस बात का है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के रिस्पेक्ट में नोटेशन का। देखिए आर के जो वैल्यूज है उनकी अगर हम बात करें यहां पे क्या बताया गया था आर का वैल्यू स्टार्ट कहां से होता है एन से। यहां पे एन का वैल्यू क्या है फोर जो लास्ट वैल्यू है उसी से पता चलेगा। तो n का वैल्यू 4 है तो r यहां से स्टार्ट होगा 4 से लास्ट से स्टार्ट होगा 4 3 2 1 0 पांच वैल्यूज है तो 4 3 2 1 0। जब आप फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस की बात करोगे यहां पे भी देखो 4 से ही स्टार्ट होगा 4 यहां पे तो चार ही डिफरेंसेस है ना तो 4 3 2 1
नोटिस कीजिए, देखिए फोर थ्री सफिक्स को नोटिस कीजिए, फोर थ्री टू वन, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, बस चार ही तो डिफरेंसेस है, तो लास्ट से स्टार्ट होगा फोर से जहां तक जाएगा, यहाँ पे चार डिफरेंसेस है, फोर थ्री टू वन। फिर सेकेंड ऑर्डर चेक कीजिए, सेकेंड ऑर्डर में भी फोर से ही स्टार्ट होगा, फोर थ्री टू। थर्ड ऑर्डर फोर से स्टार्ट होगा, लास्ट से स्टार्ट होता है फोर एंड थ्री, दो ही वैल्यूज हैं, अब देख सकते हैं फोर थ्री टू, यहां पर भी फोर थ्री। ठीक है, तो R के वैल्यू में क्या चेंज है, क्लियर है, फॉरवर्ड डिफरेंस में जीरो से स्टार्ट हो रहा था, यहां पे लास्ट वैल्यू से फोर से N से स्टार्ट होगा। एंड टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, X को बोला जाता है आर्गुमेंट एंड Y को बोला जाता है फंक्शन और द एंट्री, ये तो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में भी बताया था, X को बोलते हैं आर्गुमेंट और Y को बोलते हैं फंक्शन और द एंट्री। एंड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में लीडिंग टर्म क्या था याद है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में लीडिंग टर्म क्या था, इसको बोलते थे लीडिंग टर्म फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में जो y नॉट था, जो फर्स्ट वैल्यू था, इसको बोलते थे लीडिंग टर्म, और y नॉट के कोरिस्पोंडिंग जो डिफरेंसेस है उसको लीडिंग फॉरवर्ड डिफरेंसेस। इस केस में जो लास्ट वैल्यू होगा वाई एन, जो लास्ट वैल्यू है, इस केस में वाई फोर है, जो लास्ट वैल्यू ऑफ वाई है इसको बोलते हैं लीडिंग टर्म, द लास्ट एंट्री वाई फोर इज नोन एज द लीडिंग टर्म। फॉरवर्ड डिफरेंस में फर्स्ट एंट्री लिया जाता है, बैकवर्ड डिफरेंस में लास्ट एंट्री, एंड कॉरिस्पॉन्डिंग जो बैकवर्ड डिफरेंसेस है, देखो फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई फोर, सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई फोर एंड थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई फोर, इनको बोला जाता है लीडिंग बैकवर्ड डिफरेंसेस। जब हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन टेक्निक डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे यही टर्म्स यूज किए जाते हैं। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में जो वाई नॉट वाले टर्म्स होते हैं वो लीडिंग टर्म होते हैं, वो यूज किए जाते हैं। बैकवर्ड इंटरपोलेशन में जो लास्ट टर्म होता है वाई एन, इस केस में वाई फोर है, ये लीडिंग टर्म है, और वाई फोर के कॉरिस्पॉन्डिंग जो डिफरेंसेस है वो लीडिंग बैकवर्ड डिफरेंसेस हैं। तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन टेक्निक में ये लास्ट वाले जो टर्म्स हैं वो यूज किए जाएंगे। क्लियर एवरीवन, मैं आगे प्रोसीड करूंगा, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट शिफ्ट ऑपरेटर। इंटरपोलेशन टेक्निक जो है वो समझने के लिए शिफ्ट ऑपरेटर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स शिफ्ट ऑपरेटर का काम क्या है, जिसको ई बोला गया है, देखिए शिफ्ट ऑपरेटर इज ई, इसको अगर आप प्रेजेंट वैल्यू पे ऑपरेट करोगे E is the shift operator, इसको अगर आप present value के ऊपर operate करोगे तो आपको next value मिल जाएगा, ये forward shift है basically, present value पे operate करेंगे तो next value मिल जाएगा, this is the forward shift। अगर आप E inverse लेते हैं, E inverse अगर आप present value पे operate करते हैं तो ये forward shift होगा, backward shift होगा, backward, इस केस में बैकवर्ड शिफ्ट। तो ई इनवर्स अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ऑपरेट किया तो
तो आपको प्रीवियस वैल्यू मिलेगा, बैकवर्ड शिफ्ट। इनवर्स प्रेजेंट वैल्यू को ऑपरेट करेगा तो प्रीवियस वैल्यू, बैकवर्ड शिफ्ट। इसी चीज को यहां पे लिखा गया, देखिए ई एक्टिंग ऑन वाई आर विल गिव अस वाई आर प्लस वन। यहां पे वाई आर क्या है, वाई आर है प्रेजेंट वैल्यू, इसके ऊपर आप शिफ्ट ऑपरेटर ई ऑपरेट करोगे तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा, नेक्स्ट वैल्यू मतलब वाई आर प्लस वन। आप शिफ्ट ऑपरेटर को कितनी बार भी ऑपरेट कर सकते हो, एक बार ऑपरेट करेंगे तो एक शिफ्ट वन स्टेप शिफ्ट होगा, दो बार ऑपरेट करेंगे तो दो स्टेप शिफ्ट होंगे। तो ये चीज यहां पे लिखा गया है, शिफ्ट ऑपरेटर को अगर आप एन टाइम्स ऑपरेट करते हो, ई टू द पावर एन, एन इज एन इंटीजर, ई टू द पावर एन का मतलब क्या है, आपने शिफ्ट ऑपरेटर को एन टाइम्स ऑपरेट किया है, आपने शिफ्ट ऑपरेटर को एन टाइम्स ऑपरेट किया। तो ई टू द पावर एन को अगर आप वाई आर के ऊपर ऑपरेट कर दो तो ये क्या चलाएगा, y of r plus n। जैसे यहां पे एक बार ऑपरेट किया था तो r के बदले क्या चला आया, r plus 1, दो बार ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, r plus 2, n times ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, r plus n। यहां पे n बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपने कितनी बार शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट किया है, एक बार ऑपरेट करेंगे तो r से r plus 1 बनेगा, n times ऑपरेट करेंगे तो r से r plus n बनेगा। और अगर हम फंक्शन के टर्म्स में सोचें, फंक्शन के टर्म्स में आप ऐसे लिख सकते हैं, e इज द शिफ्ट ऑपरेटर, ये f ऑफ x के ऊपर ऑपरेट करेगा तो क्या देगा, f ऑफ x प्लस h। तो f ऑफ x के ऊपर ऑपरेट करेगा तो देगा f ऑफ x प्लस h। तो ये प्रेजेंट वैल्यू है, शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट करेगा तो f ऑफ x प्लस h। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये जो ई ऑपरेटर है ये बेसिकली कितना अमाउंट शिफ्ट कर रहा है, अमाउंट ऑफ शिफ्ट कितना है, एच, बिकॉज एक्स के दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में सेपरेशन कितना है, एच, तो अमाउंट ऑफ शिफ्ट इज एच। एक बार ऑपरेट करेंगे कितना शिफ्ट होगा, एच अमाउंट। सिमिलरली अगर हम e टू द पावर n ऑपरेट करते हैं f ऑफ x के ऊपर, तो e टू द पावर n का मतलब शिफ्ट कितना होगा, n h। एक बार ऑपरेट करते हैं तो h अमाउंट ऑफ शिफ्ट है, n टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो n h अमाउंट ऑफ शिफ्ट होगा। तो अमाउंट ऑफ शिफ्ट इफ यू अप्लाई e टू द पावर n, तो अमाउंट ऑफ शिफ्ट will be equal to nh। एक बार ई ऑपरेट करेंगे तो h शिफ्ट होगा, n टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो nh अमाउंट ऑफ शिफ्ट होगा, n इज एन इंटीजर। ठीक है, ओके, नाउ मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ऑलरेडी किसी ने चैट बॉक्स में बताया है, ये जो हम शिफ्ट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोग जो ट्रांसलेशन ऑपरेटर पढ़ते हैं वही है ये। क्वांटम मैकेनिक्स में जो आप ट्रांसलेशन ऑपरेटर पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन ऑपरेटर वही है ये। ठीक है, अभी हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे, जो शिफ्ट ऑपरेटर है उसी को क्वांटम में आप ट्रांसलेशन ऑपरेटर बोलते हैं, वहां पे मोमेंटम ऑपरेटर के फॉर्म में आता है, कैसे भी बताया जाए। तो शिफ्ट ऑपरेटर काम ऐसे करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये जो शिफ्ट ऑपरेटर है और जो हमने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डिस्कस किया था, उनके बीच में रिलेशन क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर के साथ फॉरवर्ड डिफरेंस का क्या रिलेशन है, शिफ्ट ऑपरेटर के साथ बैकवर्ड डिफरेंस का क्या रिलेशन है, देखते हैं। तो पहले फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात करते हैं। So this is the relation between shift operator and forward difference operator. E equal to 1 plus delta. This is the relation. कैसे आया ये देखिए, अगर हम forward difference operator का जो definition था वो use करें, first order forward difference.
तो फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ इफेक्ट्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहां पे बताइए, ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है इसको आप ये लिख सकते हो ना, शिफ्ट ऑपरेटर एक्टिंग ऑन एफ ऑफ एक्स। अभी हमने डिस्कस किया ये शिफ्ट ऑपरेटर ई है, इसको एफ ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच ही तो आता है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को आप ऐसे भी लिख सकते हो ई इंटू एफ ऑफ एक्स। तो देखिए ये आ जाएगा e माइनस वन, वन मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर एक्टिंग ऑन एफ ऑफ एक्स, वन का मतलब है आइडेंटिटी ऑपरेटर, आई भी लिख सकते हो। तो यहां से देखिए रिलेशन आ जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल टू शिफ्ट ऑपरेटर माइनस आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये रिलेशन। ऐसे ही आप जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है उनके बीच में भी रिलेशन शिफ्ट ऑपरेटर के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रख देते हैं। अब बताइए एफ ऑफ एक्स माइनस एच को क्या लिख सकते हैं, शिफ्ट शिफ्ट इनवर्स, बिल्कुल ई इनवर्स एक्टिंग ऑन एफ ऑफ एक्स, पीछे की तरह शिफ्ट हो रहा है, माइनस एच का मतलब क्या है, पीछे की तरह शिफ्ट है, ई इनवर्स, इसको लिख सकते हैं वन माइनस ई इनवर्स एक्टिंग ऑन एफ एक्स। तो यहां से आपको शिफ्ट ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच में रिलेशन मिल जाए। इस केस में ई इनवर्स क्या है, बैकवर्ड शिफ्ट, तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है तो बैकवर्ड शिफ्ट आ गया, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है तो फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। यहां पे ये क्या था, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था इसलिए फॉरवर्ड शिफ्ट आया है, यहां पे ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है इसलिए बैकवर्ड शिफ्ट आया है, ठीक है। तो आई थिंक ये रिलेशन क्लियर है शिफ्ट ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच में, ये हम यूज करेंगे कुछ देर बाद इंटरपोलेशन टेक्निक में। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑपरेटर के बीच में क्या रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन e इक्वल टू e टू द पावर एच टी। जैसा बताया गया था h रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ शिफ्ट, h इज द अमाउंट ऑफ शिफ्ट, एंड जो कैपिटल डी ऑपरेटर है वो बेसिकली क्या है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। कैपिटल डी क्या है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर डी डी एक्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। अभी रिलेशन आया कैसे देखिए, इसी से ना क्वांटम मैकेनिक्स में हम रिलेट करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में यही ऑपरेटर आप लिनियर मोमेंटम के फॉर्म में पढ़ते हैं, e टू द पावर एच डी लिखा गया, e टू द पावर एच डी, इसको अगर आप किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करो, बोला गया ये शिफ्ट ऑपरेटर है, चेक करते हैं ये शिफ्ट ऑपरेटर है या नहीं है, तो e टू द पावर एच डी को एफ ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो क्या करेंगे e टू द पावर एच डी का सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं, आई प्लस
x plus x square by 2 factorial, तो 8 square by 2 factorial into d square, just exponential का series expansion, जो हमने matrices में भी पढ़ा था. ये operators basically matrices के साथ equivalent है, तो matrix के लिए हम ये expansion use करते हैं, तो operators के लिए भी use कर सकते हैं. h cube by 3 factorial into d cube and so. ये पूरा सीरीज किसके ऊपर ऑपरेट करेगा? f of x cube. Now term by term ऑपरेट करते हैं. आप यहां पे देखो, जो i cap है, ये i cap अगर f of x के ऊपर ऑपरेट करता है, जो i cap है ये अगर f of x के ऊपर ऑपरेट करता है तो क्या देगा? f of x plus h. d का मतलब है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर. तो ये कैपिटल d अगर f of x के ऊपर ऑपरेट करेगा तो क्या देगा? df dx. h into df dx plus h square by 2. d square ऑपरेट करने का मतलब है दो बार डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव d2f dx. And so on. तो यहाँ पे आप बताइए, ये जो एक्सपेंशन यहाँ पे आया है ना, ये बेसिकली एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन. इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच. ये बेसिकली एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन है. किस चीज का? एफ ऑफ एक्स प्लस एच का. ये ऑपरेट करने के बाद जो आया है, दिस इज द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f of x plus h about x. This is the Taylor series expansion of f of x plus h about x. हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में टेलर सीरीज एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था, उसका आप कंपेयर करके देख सकते हो. टेलर सीरीज एक्सपेंशन में ये जो x प्लस h है, इसी के बदले z आया था, f of z लिखा था हमने. और ये अबाउट x है, वहां पे हमने अबाउट z इक्वल टू a या z नॉट लिखा था. तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन डिस्कस किया था z के टर्म्स में, f of z का एक्सपेंशन z नॉट के अबाउट, ऐसा हमने पढ़ा था. तो ये f of z था. जस्ट आप क्या कीजिएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो हमने टेलर सीरीज पढ़ा है ना, वहां पे z के बदले x प्लस h रिप्लेस कर दीजिएगा, z के बदले x प्लस h. और जो जहां पे हमने z नॉट लिखा था, z नॉट या a में भी लिखा होगा, उसके बदले x लिख दीजिएगा. तो z के बदले x प्लस h और z नॉट के बदले x रिप्लेस कर दीजिएगा, एग्जैक्टली ये एक्सपेंशन आ जाएगा. एग्जैक्टली मतलब दिस इज द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच अबाउट एक्स. ठीक है, इसको लिख दिया गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच. तो आप यहां पे बताइए, जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है उसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ई एक्टिंग ऑन एफ एक्स, ई एक्टिंग ऑन एफ एक्स. तो यहां पर रिलेशन क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में था e टू द पावर एच डी और राइट हैंड साइड में है कैपिटल e. तो शिफ्ट ऑपरेटर और डिफरेंशिएशन ऑपरेटर के बीच में ये रिलेशन है. इस तरीके से आप काफी आसानी से डिराइव कर सकते हैं ये शिफ्ट ऑपरेटर डेरिवेटिव ऑपरेटर से कैसे रिलेटेड है. किसी ने क्वेश्चन किया है इसके लिए क्या h स्मॉल होना चाहिए,
ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे एट स्मॉल होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे जो एच है ये एच स्मॉल होना जरूरी नहीं है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये एच स्मॉल होना चाहिए। एच अगर स्मॉल होता तो हम ये हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देते। एच का स्मॉल होना जरूरी नहीं है, एच अगर स्मॉल होता तो ये हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे एच का स्मॉल होना जरूरी नहीं है। दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एच। एनी अदर क्वेश्चन इन दिस स्टेप में कोई डाउट है तो बताइए। तो ये जो शिफ्ट ऑपरेटर है इसको क्वांटम मैकेनिक्स में जो आप लोग पढ़ते हैं उससे थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो e टू दी पावर एच डी इसी ऑपरेटर को शिफ्ट ऑपरेटर बोला गया। ये अगर एफ ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेट करेगा तो ये आ जाएगा एफ ऑफ x प्लस एच। तो बता सकता है ये फॉरवर्ड शिफ्ट है या बैकवर्ड शिफ्ट है? फॉरवर्ड से प्लस एच आया है ना, फॉरवर्ड शिफ्ट। तो जो हम फॉरवर्ड शिफ्ट बोल रहे थे कैपिटल E, इट इज इक्वल टू e टू द पावर एच डी। फॉरवर्ड शिफ्ट है और अमाउंट ऑफ शिफ्ट कितना है h। ऐसे अगर आप कैलकुलेट करके देखें e टू द पावर माइनस एच डी, e टू दी पावर माइनस एच डी को अगर आप एफ ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे हमने कुछ देर पहले सीरीज एक्सपेंशन किया फिर टेलर सीरीज आ गया, सेम टेक्निक आप चेक करके देख सकते हैं। क्या किया था हमने, e टू दी पावर एच डी का पहले सीरीज एक्सपेंशन लिखा, फिर उस सीरीज को एफ एक्स के ऊपर ऑपरेट कर दिया टर्म बाई टर्म, फिर एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन आ गया जिसको हमने एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखा। सिमिलरली आप चेक करके देख सकते हैं e टू दी पावर माइनस एच डी इसका सीरीज एक्सपेंशन कीजिए, उस सीरीज को एफ ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेट कीजिए, फिर से टेलर सीरीज चलाएगा इस फंक्शन का टेलर सीरीज एफ ऑफ एक्स माइनस एच। और माइनस एच होने का मतलब यहां पर जो शिफ्ट हुआ है वो पीछे की तरफ हुआ है, बैकवर्ड शिफ्ट। और बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर को हम क्या बोल रहे थे, e या e इनवर्स? इनवर्स, e इनवर्स। तो e इनवर्स इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एच डी। अब क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में इन्हीं ऑपरेटर को आप ट्रांसलेशन ऑपरेटर बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा e टू दी पावर जो ट्रांसलेशन ऑपरेटर होता है टी कैप नॉर्मल जो नोटेशन यूज करते हैं, टी कैप इज इक्वल टू e टू दी पावर आयोटा पी एक्स कैप ए बाई एच कट। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को अगर आप साई के ऊपर ऑपरेट करते हैं साई ऑफ एक्स तो ये इक्वल टू क्या आ जाता है, साई ऑफ एक्स प्लस ए। यहां पे भी देखिए शिफ्ट हुआ है, जैसे ऊपर क्या लिखा गया था, ऊपर एफ ये जो ऑपरेटर है ये जब एफ एक्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा था तो एक्स के बदले क्या आ रहा था, एक्स प्लस एच। यहां पे भी देखिए एक्स के बदले एक्स प्लस ए, एच के बदले ए है, ठीक है। तो ये भी शिफ्ट ऑपरेटर ही है जिसको आप ट्रांसलेशन ऑपरेटर बोलते हैं। ये शिफ्ट क्या है, शिफ्ट इन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आप कैलकुलेट करके देखें, देखिए पी एक्स का जो फॉर्मेट है वो यहां पे रिप्लेस कीजिए, तो ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स क्या होता है माइनस आयोटा एच कट टिल्डेल एक्स। वन डी एम में डी डी एक्स ही लिख रहा हूं इंटू ए बाई एच कट। यहां पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो ये देखिए आ जाएगा ई टू दी पावर ए डी डी एक्स। अब मुझे बताइए ये जो ट्रांसलेशन ऑपरेटर आप क्वांटम मैकेनिक्स में लिखते हैं जो एक्स को एक्स प्लस ए में चेंज करता है, ये ऑपरेटर क्या ई टू दी पावर एच डी इस फॉर्मेट का नहीं है?
जिसको हम शिफ्ट ऑपरेटर बोल रहे हैं। यस सर। एच के बदले क्या है ए, यहाँ पे एच था अमाउंट ऑफ शिफ्ट, क्वांटम में जो ए होता है वो अमाउंट ऑफ शिफ्ट होता है, और कैपिटल डी क्या है डेरिवेटिव ऑपरेटर, तो ई टू दी पावर एच डी के बदले ई टू दी पावर ए डी डी एक्स। तो क्वांटम में जो आप ये ट्रांसलेशन ऑपरेटर पढ़ते हैं ये बेसिकली शिफ्ट ऑपरेटर ही है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में इसको शिफ्ट ऑपरेटर बोला जाता है। इस ये फॉरवर्ड शिफ्ट है या बैकवर्ड शिफ्ट है? फॉरवर्ड शिफ्ट। इसका अगर आप इनवर्स लेते हैं, इसका इनवर्स बेसिकली होगा e टू दी पावर माइनस आयोटा टी एक्स कैप इंटू ए बाई एच कट, ये बैकवर्ड शिफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इस टी इनवर्स को अगर आप साई के ऊपर ऑपरेट करो तो पीछे की तरह शिफ्ट हो, इसको अगर आप साई ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेट कर देते हैं तो आ जाएगा साई ऑफ एक्स माइनस ए, बैकवर्ड शिफ्ट। अमाउंट ऑफ शिफ्ट इक्वल है ए बट पीछे की तरफ बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो टी कैप ऑपरेट करेंगे जो ट्रांसलेशन ऑपरेटर है तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, एक्स से एक्स प्लस ए, ए इज द अमाउंट ऑफ शिफ्ट, और टी इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा एक्स से एक्स माइनस ए। शिफ्ट तो इक्वल है ए यूनिट बट पीछे की तरफ है बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे हम यहां पर शिफ्ट ऑपरेटर देख रहे थे ई एंड ई इनवर्स, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में भी ट्रांसलेशन ऑपरेटर और उसका इनवर्स होता है। ट्रांसलेशन ऑपरेटर फॉरवर्ड शिफ्ट है, ट्रांसलेशन ऑपरेटर का इनवर्स लेंगे तो वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, इस स्टेप पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अब अभी तक हमने जो डिस्कस किया फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस शिफ्ट ऑपरेटर, उनका जो यूज है बेसिकली इंटरपोलेशन टेक्निक। तो इंटरपोलेशन टेक्निक क्या है, उससे हमें क्या पता चलता है, एंड इंटरपोलेशन टेक्निक में फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस एंड शिफ्ट ऑपरेटर का क्या यूज है? सर क्यूएम क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। इंटरपोलेशन का बेसिक मतलब क्या है, इंटरपोलेशन से बेसिकली हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एफ ऑफ एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक्स के वैल्यूज ये हैं एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन, और एफ एक्स के वैल्यूज है वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री एंड सो ऑन। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो आपको मिले हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए आपको तो x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y का वैल्यू पता है ना, जैसे x नॉट के लिए फंक्शन का वैल्यू होगा y नॉट, x नॉट के लिए, x1 के लिए फंक्शन का वैल्यू होगा y1, xn के लिए फंक्शन का वैल्यू होगा yn। तो आपको x के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए फंक्शन का वैल्यू पता है। अगर आपको कोई पूछ लेता है x0 टू xn इसके बीच में कोई पॉइंट है उसके लिए फंक्शन का वैल्यू बताइए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 इन वैल्यूज के लिए आपको फंक्शन पता है। आपको पूछा गया x इक्वल टू 1.3 पे वैल्यू कितना होगा, x इक्वल टू 3.1 पे वैल्यू कितना होगा, x इक्वल टू 4.9 पे वैल्यू कितना होगा। मतलब आपको एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है, एक्सपेरिमेंट से x के कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए फंक्शन का वैल्यू पता चल रहा है, x के कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए आपको फंक्शन पता चल रहा है एक्सपेरिमेंट से। लेकिन आपको पूछा गया जो इनके बीच में जो x के वैल्यूज हैं, इनके बीच में भी तो वैल्यूज होंगे ना, तो इनके बीच में जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो इनके बीच में जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के लिए फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है उसी को इंटरपोलेशन टेक्निक बोला जाता है। लिखा गया देखिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग
the values of y corresponding to any value of x which lies in the interval x naught to xn. ये जो इंटरवल है एक्सपेरिमेंट डेटा का इंटरपोलेशन, ये x naught to xn, ये जो इंटरवल है ना, इन इंटरवल के अंदर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे वैल्यू हमें पता है. इस इंटरवल में किसी भी आर्बिटरी पॉइंट के लिए अगर आपको फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम किस टेक्निक का यूज करेंगे? इंटरपोलेशन टेक्निक. इस इंटरवल में आप कोई भी आर्बिटरी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी आर्बिटरी पॉइंट, और उस आर्बिटरी पॉइंट के लिए फंक्शन का वैल्यू पूछा गया. तो किसी भी आर्बिटरी पॉइंट के लिए इस इंटरवल में किसी भी आर्बिटरी पॉइंट के लिए फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन टेक्निक. और ऐसा नहीं है जो आर्बिटरी पॉइंट का मतलब सिर्फ इंटीजर, इंटीजर फ्रैक्शन, आप किसी भी पॉइंट पे x नॉट टू xn, इस इंटरवल में किसी भी आर्बिटरी पॉइंट के लिए अगर फंक्शन का वैल्यू आपको पता करना है, स्पेसिफिकली आपको मतलब अप्रोक्सीमेट करना है फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या टेक्निक यूज करते हैं? इंटरपोलेशन टेक्निक यूज करते हैं. ठीक है, किसी भी वैल्यू के लिए. तो किस इंटरवल की बात कर रहे हैं? x नॉट टू xn, ये जो इंटरवल है, और जो हम xi लिखा गया है ना, वो इसके बीच में कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट. ऐसा नहीं मिड पॉइंट होना चाहिए, कोई भी पॉइंट हो xi. तो xi पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है वो उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन टेक्निक. और हम इंटरपोलेशन के ही डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन. पहले कुछ टेक्निक डिस्कस करेंगे जिसमें ये जो एक्स के वैल्यूज हैं ये इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए. पहले कुछ टेक्निक डिस्कस करेंगे जिसमें एक्स के जो ये वैल्यूज हैं ये इक्वली स्पेस्ड होंगे, तब क्या करते हैं. फिर हम कुछ टेक्निक डिस्कस करेंगे अगर इक्वली स्पेस्ड ना हो तब क्या करेंगे. बिकॉज जब आप एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको मिलता है उसमें क्या एक्स के वैल्यूज इक्वली स्पेस्ड होते हैं ऑलवेज? कोई भी एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म करते थे ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, क्या ये नहीं होता था? इन जनरल होता ही नहीं है. ये तक स्पेशल केस है जो ये आपका सारा इक्वली स्पेस्ड है. नॉर्मली कोई भी एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं एक्स के ये सारे वैल्यूज इक्वली स्पेस्ड होंगे जरूरी नहीं है. जब आप रीडिंग लेते हैं एक्सपेरिमेंट, जब आप रीडिंग लेते हैं तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आप इक्वल इक्वल इंटरवल में लेंगे जरूरी नहीं है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है. तो पहले हम डिस्कस करेंगे इक्वली स्पेस्ड होगा तो क्या टेक्निक है, और इक्वली स्पेस्ड नहीं होगा तो क्या टेक्निक है, वो हम उसके बाद डिस्कस करेंगे. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. फर्स्ट जो टेक्निक है दैट इज न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. एक चीज यहां पे याद रखना है, पहले यह पॉइंट पता रहना जरूरी है, यह मेथड एप्लीकेबल कब है. दिस मेथड इज एप्लीकेबल इफ वैल्यूज ऑफ एक्स आर इक्वली स्पेस्ड. जो एक्स के कंजिगुटिव वैल्यूज है वो इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए. एक्स के वैल्यूज अगर इक्वली स्पेस्ड नहीं है तब ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. एक्स नॉट माइनस एक्स, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये सारे इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए एंड इक्वल टू एच. अगर इक्वली स्पेस्ड नहीं होता तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबली नहीं है, ध्यान रखिएगा, तब दूसरे फॉर्मूले हैं. ये सिर्फ इक्वली स्पेस्ड जो एक्स के वैल्यूज हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं. तो पहले क्वेश्चन में ये चेक कर लीजिएगा इक्वली स्पेस्ड है या नहीं है. नाउ फॉर्मूला क्या है देखिए, इससे हम क्या करते हैं किसी भी आर्बिटरी पॉइंट के लिए फंक्शन का वैल्यू पता करते हैं. तो एफ एक्स इज इक्वल टू, this is the formula, this is Newton's forward interpolation formula.
अब इंपॉर्टेंट पार्ट नोटिस कीजिए, जैसे बताया गया था फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में लीडिंग टर्म कौन सा होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में लीडिंग टर्म वाई नॉट। तो अब देखिए यहाँ पे वाई नॉट का ही यूज किया गया लीडिंग टर्म्स। ये फॉर्मूला कैसे है अभी बता रहे हैं, शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करके आ जाएगा शिफ्ट ऑपरेटर। देखिए दिस इज द लीडिंग टर्म, यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का यूज किया जाता है और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में लीडिंग टर्म होता है वाई नॉट, और वाई नॉट के कॉरिस्पॉन्डिंग जो डिफरेंसेस होते हैं वो लीडिंग डिफरेंसेस होते हैं। देखिए जो भी फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ पे यूज किया गया है, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, ये सारा किसके कॉरिस्पॉन्डिंग यूज किया गया है, वाई नॉट के कॉरिस्पॉन्डिंग। तो वाई नॉट इज द लीडिंग टर्म और वाई नॉट के कॉरिस्पॉन्डिंग ही फॉरवर्ड डिफरेंसेस कैलकुलेट किए गए हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। और U क्या है, U देखिए नीचे लिखा गया, U इज दिस वन, x माइनस x नॉट बाई h, जो फॉर्मूले में U आया है, U इज इक्वल टू दिस x माइनस x नॉट बाई h। h क्या है, x के कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में डिफरेंस, h इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ x। ये तो फिक्स्ड होगा, इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के जो वैल्यूज होते हैं पहला वैल्यू एक्स नॉट है, ये था ना पहला वैल्यू क्या था एक्स नॉट, ये क्वेश्चन में गिवन होगा वो यहां पे आएगा। और ये एक्स क्या है, एनीवन, ये एक्स क्या है, जहां वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल, दिस इज एनी आर्बिटरी पॉइंट जहां पे आप फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज एनी arbitrary point between x naught and xn, this is any arbitrary point between x naught and xn, कोई भी arbitrary point जिस पे value calculate करना है वो xn, ठीक है। तो दिस इज द न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन या फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, जिसके यूज से आप किसी भी आर्बिटरी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये आर्बिटरी पॉइंट कहां पे होगा, एक्स नॉट और एक्स एन के बीच में कहीं पे होगा। अब यहां पे देखिए न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला आप किसी भी आर्बिटरी पॉइंट के लिए यूज कर सकते हैं जो एक्स नॉट टू एक्स एन इस इंटरवल में होना चाहिए, लेकिन ये सारे जो न्यूमेरिकल टेक्निक्स हैं वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होते हैं, और हमारा एम क्या है, एरर को कम करना, हमारा एम है जो भी न्यूमेरिकल मेथड आप यूज कर रहे हैं उसे एरर कम आए, एरर कम आएगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगा। तो ये देखा गया है जो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला ये कब ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा, ये लिखा गया है द मेथड इज एप्लीकेबल, यहां पे ना एप्लीकेबल ना लिख के मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, जस्ट वन मिनट, ये एप्लीकेबल यहां पे लिखना थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, द मेथड विल गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट, that is less error, तो ये method आप x naught to xn ये जो points है इनके बीच में किसी भी arbitrary point के लिए use कर सकते हैं, कोई use करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक particular range में अगर आप point choose करते हैं तो उसमें error कम होगा accuracy बढ़ेगा। क्या बोला गया है, देखिए second point, the method will give more accurate results, that is less amount of error for interpolating the values of y near the beginning of the set of tabulated values. मतलब क्या है, हमारे पास जो interval था वो कहां से कहां तक था, x naught to xn,
जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है बेसिकली इस रेंज में, जो इंटरवल है ना उसका जो स्टार्टिंग हाफ है, इस रेंज में अगर आपको एक्सआई चूज करते हैं और उसके लिए फंक्शन का वैल्यू बताना है तो इससे एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, एरर कम आएगा। अगर आप इस रेंज में इस इंटरवल में या आप मिड पॉइंट मान सकते हैं, इज द मिड पॉइंट, ये क्या होगा 1/2 एक्स नॉट प्लस एक्स एन, जो फर्स्ट हाफ है इस इंटरवल का, उस फर्स्ट हाफ में किसी भी आर्बिटरी पॉइंट पे अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, इससे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। आप क्या इसके लिए नहीं यूज कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेट करके देखा गया, पूरा एनालिसिस करके देखा गया है कि इस पार्ट के लिए अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो अमाउंट ऑफ एरर ज्यादा होता है। स्टार्टिंग पार्ट के लिए अगर आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज करो तो एक्यूरेट रिजल्ट देगा, लास्ट पार्ट के लिए अगर आप यूज करो तो उसमें एक्यूरेसी कम हो जाता है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस या जो लीडिंग टर्म है, ये लीडिंग टर्म ये फर्स्ट टर्म था या लास्ट टर्म था डेटा का? फर्स्ट टर्म, जो लीडिंग टर्म है वो फर्स्ट टर्म है, इसलिए जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना उसमें अगर फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करो तो एरर कम होता है, बिकॉज जो लीडिंग टर्म यहां पे लिया गया है वो बेसिकली फर्स्ट टर्म है। तो स्टार्टिंग वाले पार्ट में अगर आप किसी भी पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करो, एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। अगर आप ये सेकेंड हाफ वाले में कोई पॉइंट चूज करते हो और ये फॉर्मूला यूज करो, रिजल्ट तो आएगा बट अमाउंट ऑफ एरर ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये फॉर्मूला आया कहां से? मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, आपको किसी आर्बिटरी पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना है, किसी भी आर्बिटरी पॉइंट के लिए, सपोज वो आर्बिटरी पॉइंट है एक्स। अभी जो कुछ देर पहले यू लिखा गया था, तो यू क्या था, एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच, और x इज द आर्बिटरी पॉइंट जहां पे आपको फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो देखिए x को आप क्या लिख सकते, x नॉट प्लस uh, x नॉट प्लस uh, ये लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए आपको क्या कैलकुलेट करना है, फंक्शन का वैल्यू x पे, तो f ऑफ x कैलकुलेट करना है, इसको आप लिख सकते हो f ऑफ x नॉट प्लस uh। जस्ट हमने क्या किया है, x के बदले x नॉट प्लस uh ये रिप्लेस कर दिया, जो यहां से आया था रिप्लेस कर दिया। आप कोई बता सकता है इसको शिफ्ट ऑपरेटर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया था शिफ्ट ऑपरेटर, e पावर u। सपोज f ऑफ x नॉट इसके ऊपर क्या ऑपरेट करने पे ही आएगा, e पावर u h, e टू द पावर u। e क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर, तो e को एक बार ऑपरेट करते हैं तो कितना शिफ्ट होता है, h अमाउंट। e को अगर आप u टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो u h शिफ्ट होगा, तो यहां पे x नॉट था, ये ऑपरेट करेंगे तो u h शिफ्ट होगा, तो x not plus uh। तो इस फंक्शन को शिफ्ट ऑपरेटर के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, e to the power u in acting on f of x not। अब आप देखिए इसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, e equal to क्या था फॉरवर्ड डिफरेंस के फॉर्म में, 1 plus फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये तो था ना, अभी कुछ देर पहले रिलेशन बताया था ये कैसे आता है। यहां पे आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कीजिए, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1
by 2 factorial x square plus n into n minus 1 into n minus 2. n के बदले यहां पे u है और x के बदले जो ऑपरेटर है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर by 3 factorial into this. ये ऑपरेट करेगा किसके ऊपर? f of x के ऊपर. तो बताइए पहला टर्म क्या है? f of x not के ऊपर. ये किसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है? f of x not के ऊपर. और जो f of x not है ये बेसिकली y not ही तो है. x equal to x not पे फंक्शन का वैल्यू कितना था? y not. f of x not का मतलब बेसिकली y not ही है. तो अब देखिए पहला टर्म क्या है? 1 ऑपरेट करने का मतलब y not ही आएगा प्लस u फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y not प्लस u इंटू u माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y not and so on. यही क्या न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला नहीं है जो पिछले स्लाइड में लिखा गया था? इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि fx को इस तरीके से कैसे लिखा जा सकता है. बेसिकली फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर इनका यूज किया. पहले क्या किया गया? f of x को ऐसे लिख दिया गया. नाउ इस फंक्शन को हम शिफ्ट ऑपरेटर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं. शिफ्ट ऑपरेटर को फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में चेंज कर सकते हैं. नाउ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में चेंज करने के बाद इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कीजिए. इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ये सीरीज मिल जाएगा. नाउ इस सीरीज को अगर आप f of x नॉट के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो ये आ जाएगा. एंड दिस इज नथिंग बट द न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो अभी बताया गया था. इस फॉर्मूले को यूज करके आप किसी भी आर्बिटरी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं. किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है. सर स्लाइड शो कर दीजिए. सर डीपीपी 16 में डाउट है. क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25. एक बता देता हूँ, दोनों सिमिलर ही क्वेश्चन. तो 25 बता दो, उसमें आंसर मैच नहीं हो रहे हमारे. बता रहे जस्ट वन. यस सर, आंसर 4/7 आ रहा है पर ऑप्शन 2/5 गिवन. नहीं, सॉल्व हो गया है क्या? सॉल्व हो गया क्या? ये हो सकता है आंसर की में गलत हो. ये हो सकता है 4/7 आ रहा है आंसर. ठीक है, ठीक 4/7 ठीक है. ये हो सकता है आंसर की में वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया. सॉल्व तो हो गया है ना? यस सर. जैसे 24 सॉल्व करना है वैसे 25 सॉल्व करना, एक ही तरीका है. और सर 19 वाला भी इसका 19
डीपीपी शीट 16 क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में बोला गया है देयर आर एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है A1, A2, A3, An, AI होने का प्रोबेबिलिटी गिवन है, I का वैल्यू 1 टू N होगा, द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट्स विल ऑकर, कोई भी इवेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है A1, A2, A3 कोई भी नहीं होना चाहिए। तो आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट मतलब A नहीं, A1 नहीं होगा, A2 कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, वो इवेंट नहीं होगा, तो कोई भी इवेंट नहीं होगा इसका प्रोबेबिलिटी बेसिकली यही कैलकुलेट करना है। इंटरसेक्शन क्यों लिया है, बिकॉज कोई भी इवेंट नहीं होना चाहिए, A1 भी नहीं होना चाहिए, A2 भी नहीं होना चाहिए। अब सिंस ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कॉम्प्लीमेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, सिंपल प्रोडक्ट हो जाता है ना ऐसे, यस सर, ऐसे ही एन इवेंट्स तक होंगे। अब मुझे बताइए एक इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, तो होने का प्रोबेबिलिटी अगर गिवन है तो ना होने का प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर, बताइए A1 इवेंट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, A1 इवेंट 1/2, 1/2 तो ना होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 1/2। A2 इवेंट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3, ना होने का 2/3। ऐसे कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ओके सर, ये आ जाएगा, ठीक है सर, ये 1, 2, 3 सारा कैंसिल करके 1/n+1 होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन, जो मैट्रिक्स की डीपीपी थी डीपीपी 15 उसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका ऑप्शन सी आ रहा था, डीपीपी शीट नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिक्कत है इसमें सर, ऑप्शन सी आ रहा था पर गिवन बी है, तो कुछ मिस्टेक है या फिर 31 का नहीं, 31 का बी नहीं आएगा, जस्ट वन लेट मी चेक वंस, 1, 1, 3, 1 इस पे 2+1 3 आ जाएगा और इसमें 1, हाँ सी ऑप्शन आएगा, ठीक सी ऑप्शन। ओके सर, तो ठीक है मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सर।